हाँ तो भाई, कैसे हो सारे? आई होप अच्छे ही हो। तो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं विक्रांत रोना के, और उसकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। और जो एक क्वेश्चन था कि जो वहाँ का राक्षस था, वो हमेशा उन्हीं बच्चों को मारता था जो कि जिनके पेरेंट्स बचपन में उनको बुली किए हुए हैं। ओ, स्पॉइलर हो गया सॉरी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो जाके पहले देख लो, और अगर आप देख चुके हैं तो आप इसकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, और जो कि हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये बात कुछ उस टाइम की है जब ये सब शुरू नहीं हुआ था, ये बहुत साल पहले, जो मतलब हमारे जो मेन विलन थे फिल्म के, जो कि बच्चे थे, तब उनके गांव के टीचर ने उनको पढ़ने के लिए स्कूल में बुलाया था, और वहाँ पे एक टाइप का रेसिज्म चल रहा था क्योंकि वो गरीब थे, और वो लोग मंदिर में सफाई करके या मंदिर का काम करके अपना गुजारा चलाते थे। तो गाइज, उनको बहुत बुली किया जाता था जिससे वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। और एक बार तो ये हो गया कि वो जो गांव का जो मेन या हेड या फिर सरपंच था, उसके बच्चे ने मंदिर के गहने चोरी कर लिए, और उसका भी इल्ज़ाम उन लोगों ने उन्हीं पर लगा दिया और उनके घर को जला दिया। तभी उनका बच्चा जो था वो भाग गया, दो बच्चे जो थे वो भाग गए अपनी छोटी बहन को लेकर। लेकिन रास्ते में जो बच्चे उन्हें बुली करते थे, उन्होंने उसे रोक लिया और जंगल में उन्हें टॉर्चर करना चाहा। लेकिन तभी हमें एक छोटा सा कैमियो मतलब देखने को मिलता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, विक्रांत रोना भी उसी क्लास में पढ़ता था जिसमें कि उन बच्चों को बुली किया जाता था। तो गाइज, यही मेन रीज़न है कि उसने विक्रांत रोना की बच्ची को भी मार डाला था, क्योंकि उस टाइम पे हुआ ये था कि वो दोनों बच्चे अपनी बहन को लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें वो बुली रोक लेते हैं जिससे वो अपनी बच्ची को कुएं में फेंक देते हैं और वो मर जाती है। तो वही बात का बदला लेने के लिए वे लोग बाद में जो लोग उन्हें परेशान किए थे उन्हीं के बच्चों को मार रहे थे, ताकि उनको भी पता चले कि कैसा फील होता है अपने के मरने के बाद। और गाइज, मुझे इस पिक्चर को थोड़ा सा अगर वो करना पड़े तो ये थोड़ी सी और डार्क और तगड़ी हो सकती थी अगर इसमें थोड़ा सा और कोर दिखाते। जो किलर रीजन के मारता है वो इतना डरावना नहीं होता है जितना कि कोई बिना रीजन का। अगर हॉलीवुड में देखा जाए तो यहीं पे इसको और एक्सपेंड कर सकते थे, और इस ब्रह्म राक्षस वाले उसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते थे। जो किलर था उसे ब्रह्म राक्षस का नाम दिया जा रहा था, उसको एक साइको किलर के रूप में दिखा के थोड़ा सा उस पिक्चर का कोर बढ़ा देते तो हम ऑडियंस का पैसा भी वसूल हो जाता। लेकिन हाँ, वही है कि यहाँ के सेंसर बोर्ड ज़्यादा वायलेंस और उसकी इजाज़त नहीं देते, सो ये सब देखने को मिला। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। और हाँ, अगर आपको इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, मैं इसका वीडियो जल्दी से अपलोड कर दूंगा। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। सो गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लव यू।